आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। अगर आपने अभी तक सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाल रंग के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। द कश्मीर फाइल्स देखकर सदा अम्बालवी का एक शेर याद आया है, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं ता उम्र रुलाने वाले। जी हाँ, इसके शॉर्ट रिव्यू हम आप तक शॉर्ट्स के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर मुद्दा, मेरे अकॉर्डिंग इसे त्रासदी कहना ज़्यादा सही होगा। पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का डिटेल रिव्यू तो बनता ही है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। इससे पहले ये ताशकंद फाइल जैसी रियलिटी बेस्ड मूवी और लेफ्ट विंग को लेकर बनी बुद्धाना ट्रैफिक जैम मूवी बना चुके हैं, जिनको क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। मगर इस बार विवेक ने सीधे लोगों की भावना से जुड़ा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का वो दर्दनाक और भयावह दृश्य दिखाया है, जिसे आप कई दिनों तक अपने दिमाग से हटा नहीं पाएंगे। इसमें मुख्य भूमिका में हैं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, अभिषेक अग्रवाल, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर व भाषा सुंबली। ये फिल्म आपको भावनात्मक रूप से जगाने का काम करती है। ये 1990 के दशक की कश्मीर घाटी की असल सच्चाई दिखाती है, कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी दिखाती है। इस फिल्म से विवेक अग्निहोत्री ने देश के टॉप कॉलेज की पॉलिसी, मीडिया और उस वक्त की सरकार पर कटाक्ष किया है। 2 घंटे 40 मिनट की द कश्मीर फाइल्स के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। ये मूवी एक टाइम ट्रेवल का काम करती है, जिसमें 1990 के कश्मीर को अभी की पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम किया गया है। दिल्ली में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट अपने दादाजी की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए कश्मीर जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने दादाजी के कुछ पुराने दोस्तों से होती है और पुरानी कहानियाँ निकल कर आती हैं, और उसके बाद फिल्म रिवाइंड मोड में चलना शुरू कर देती है। कहानी कश्मीर की है तो यहाँ विजुअल्स का जादू चलना स्वाभाविक था, और उसको बिखेरने में उदय सिंह मोहिते ने सिनेमाटोग्राफी के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनको मिलते हैं 10 out of 10। राहुल शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर भी अपनी जगह बेहतरीन काम कर गया है। फिल्म की कास्टिंग के मामले में डायरेक्टर का काम काबिले तारीफ है, उनका हर एक एक्टर मानो इसी किरदार के लिए बना है। अनुपम खेर ने पुष्करनाथ के दर्द को इतनी बारीकी से बयां किया है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी, और दर्शन कुमार एक कंफ्यूज यूथ के रूप में दमदार लगे हैं। कहानी के विलेन मलिक बिट्टा के रूप में चिन्मय मांडलेकर ने अपनी एक्टिंग से मूवी के उस पार्ट को जिसमें वो नजर आ रहे हैं कुछ खास बना दिया है। ओवरऑल सभी ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है, बट अगर विवेक अग्निहोत्री ने इस मूवी की लेंथ को 20-25 मिनट कम कर दिया होता तो कहानी में रिपीटिशन और कुछ जगहों पर होने वाली बोरियत से बचा जा सकता था। ओवरऑल हम अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को पर्दे पर सफलता के साथ उतारा है। यह फिल्म आपको झकझोरने का काम करती है। इसे देखते समय निदा फाजली का वो शेर भी याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सिनेमा ए टू जेड द कश्मीर फाइल्स को 5 में से 4 सितारे देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि आप किस मूवी का या वेब सीरीज का रिव्यू देखना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।